ये कहानी है अस्मिता रॉय की, बुक एडिटर, जो पेपरिंग के लिए काम करती है और सिर्फ साहित्य एडिट करती है। I'm sorry यार अस्मिता, एक तो मेरी जगह तुझे ये मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ रहा है और ऊपर से मैं इतना पैनिक कर रही हूँ, पर तू प्लीज 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 आज लेट मत होना। जानती भी नहीं उस ऑथर को, उससे मिलने जा रही हूँ। थोड़ा कुछ बता तो देती ना उसके बारे में, बस एक मैसेज भेज दिया अभिमन्यु राजदान, जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो। पहले इश्क की मासूमियत की सबसे खास बात यह है कि उसमें वो डर है, वो एहसास है जो आंखों से ही सब कुछ बयां कर देता है। पहले इश्क को लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किस्मत ने ही अस्मिता को मिलाया पॉपुलर फिक्शन के बेस्ट सेलिंग ऑथर अभिमन्यु राजदान से। अपनी गाड़ी निकालो मेरे पार्किंग स्पॉट से। जिन्हें डूबते हुए पेपरिंग को बचाने के लिए एक किताब लिखनी है। सॉरी। और जब दो अलग अलग मिजाज के लोग मिलते हैं तो टकरार तो होनी ही है। अभिमन्यु और अस्मिता की पहली मुलाकात भी कम धमाकेदार नहीं थी। एक पार्किंग लॉट की लड़ाई अभिमान की जंग बन चुकी थी। अस्मिता, दिस इज अभिमन्यु राजदान। हेलो मिस्टर राजदान। तो क्या पढ़ना पसंद करती हैं आप? साहित्य। मिस अस्मिता, व्हाटएवर। मिस्टर राजदान, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस इतना कह रही थी कि क्योंकि मैं साहित्य पढ़ती हूँ इसलिए मैंने आपकी किताबें या वैसी वाली किताबें नहीं पढ़ी। अब तक तुमने मेरी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन अब पढ़ोगी। और अभिमन्यु ने अपनी ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए माया के सामने एक शर्त रखी। मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं पेपरिंग के साथ अगली बुक साइन करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी बुक की एडिटिंग अस्मिता करेगी। तुम मर्द हो ना? मुझे भी लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम मर्दों की ईगो का साइज इतना बड़ा क्यों होता है? और ये क्या बात हो गई? मर्द हो तो लाइसेंस मिल गया बदतमीज होने का, बात बात पे गुस्सा करने का, और कहीं मर्द के साथ साथ सक्सेसफुल लग गया ना, तब तो पूछो ही मत, फिर तो बदतमीजी की सिटी में एंट्री ही नहीं, VIP पास भी मिल जाता है। अस्मिता ने पहले इनकार किया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी जॉब के ऊपर रखा और पेपरिंग से रिजाइन कर दिया। माया, I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। क्या क्या नहीं कर सकती? मैं इस्तीफा दे रही, इस्तीफा दे रही, इस्तीफा दे रही, इस्तीफा दे रही। आ रिजाइन। मानना पड़ेगा, बहुत जल्दी सीखती हो तुम। गुड लर्नर। अपनी बात मनवानी हो तो इस्तीफे की धमकी बहुत जल्दी वर्क करती है। फॉर दैट यू हैव टू बी द ब्लडी बेस्ट। तुम्हारे भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो हम सब सुनते हैं ना, अकेली माया क्यों सुनेगी? Am I talking to you? क्या समझते हो खुद को? तुमसे बेहतर। तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो? किताब है ये तुम्हारी और हम सब कैरेक्टर्स। सीन तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा तो अपनी बात पकड़ के बैठ जाओगे और सब उसूल भूल के, सब कुछ भूल के अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करते रहोगे। तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम तो किसी की इज्जत तक करना नहीं जानते। अस्मिता, बात सिर्फ एक पार्किंग स्पेस की थी और छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे परेशान करते जा रहे हो, बेइज्जती करते जा रहे हो मेरी, और उसके लिए मैंने एक बार नहीं तुमसे कई बार माफी मांगी, पर नहीं, तुम्हें बस अपनी पावर दिखानी है, तुम्हारे इशारों पे लोग कैसे नाचते हैं वो दिखाना चाहते हो। अस्मिता, सब झुकते होंगे तुम्हारे आगे लेकिन मैं नहीं। आई रिफ्यूज अभिमन्यु राजदान, मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ, कभी नहीं। सुधर जाओ, लिखते मोहब्बत हो और लत नफरत की लगी है। अस्मिता ने पार्टी पे रिजाइन करके अभिमन्यु की जिद पर जोरदार ठोकर मार दी थी, लेकिन एक शोविनिस्टिक आदमी की ईगो को ललकारना अस्मिता के लिए भारी पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद अस्मिता की पब्लिशिंग सेक्टर में बहुत बदनामी हो गई थी। I'm sorry, मां। I'm so sorry। नहीं नौकरी बचा पाई। मैं दूसरी कोई नौकरी ढूंढ पाई हूँ। अस्मिता की जिंदगी में प्रॉब्लम अकेले नहीं है, पूरी झुंड एक साथ आई
जॉब ना मिलने के सदमे से वो बाहर भी नहीं आई थी कि अस्मिता की मॉम को हार्ट अटैक हो गया। माँ बीमार, पैसे खत्म। डॉक्टर, माँ की तबीयत। उनको हार्ट अटैक आया है, अभी उन्हें सर्जरी की सख्त जरूरत है। कितने खर्च लगेंगे? यही कोई 10-12 लाख रुपए। मजबूर अस्मिता में रिजवान को अपना फायदा दिखा। अस्मिता रॉय ये वही लड़की है ना जिसकी वीडियो वायरल हुई थी? इसे तुमसे क्या चाहिए? अभी मनीष सलवाई का केस है, नौकरी छोड़ी है। मुझसे उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे चाहिए अभिमन्यु राजदान से बदला। और अभिमन्यु राजदान से कुछ पुराना हिसाब मेरा भी बराबर होने वाला है। अस्मिता को मदद का वादा किया, लेकिन बदले में पेपर इनको वापस ज्वाइन करने के लिए कहा। तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मजबूरी या बदला ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अस्मिता ने पेपर इंक वापस ज्वाइन कर लिया। हेलो माया। यस अस्मिता। मैं पेपर इंक फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज़। शर्त अभी भी वही थी, अभिमन्यु की बुक को एडिट करना था। अस्मिता की सेल्फ रिस्पेक्ट को अभिमन्यु की शर्त के आगे झुकना पड़ा। वो अभिमन्यु की किताब एडिट करने के लिए रेडी हो गई। कॉफी कहाँ से शुरू करना है मिस्टर राजदान? पेज नंबर 3 सेकंड पैराग्राफ। रिजवान को ऐसा लग रहा था अस्मिता भले अभिमन्यु के साथ है, लेकिन वो उसके लिए काम कर रही है। पेपर इंक के चहेते ऑथर ने अपनी किताब की कहानी का आइडिया ही बदल दिया है। उसकी कॉन्सेप्ट बदलने की वजह जो भी हो, हमारा अगला स्टेप तो यही है कि उसका यह नया कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द मुझ तक पहुंच जाए। मैं किसी भी हाल में अस्मिता से उसका यह नया कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द निकलवा लूँ और उसके बाद खुद बताऊंगा सबको कि शी स्टोल इट फ्रॉम मी एंड देन शी विल बी आउट ऑफ पेपर इंक। लेकिन अस्मिता ने अपने उसूलों के सुई से रिजवान की गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ दिया। ये क्या बकवास है? क्या मजाक है अस्मिता? नो मिस्टर रिजवान, ये कोई मजाक नहीं है। ये बुक तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। तुम्हें क्या लगा था तुम अपने इस घटिया प्लानिंग का हिस्सा बनाओगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नो, मैं किसी का कॉन्सेप्ट नहीं चुराऊंगी, ना तुम्हें चुराने दूंगी। यू नो, तुम भले ही नंबर वन सेलिंग ऑथर रहे होगे, पर रियल में कहीं स्टैंड नहीं करते। अभिमन्यु राजदान किसी और बात में सही हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे बारे में सही कहता है। तो इट्स बेटर कि तुम अपना वक्त ना कुछ प्रोडक्टिव सोचने में लगाओ, ताकि तुम्हें हो सकता है अपनी स्टोरी के लिए कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। माँ का इलाज अच्छे से हो गया था और अस्मिता को अभिमन्यु का लिखा हुआ अभी अच्छा लगने लगा था। जितना वो अभिमन्यु की बुक्स को पढ़ रही थी, उनकी दूरियां नजदीकियों में बदल रही थी। जो तुमसे इतनी नफरत करता हो उसके मुंह से अपनी तारीफ निकलवाना किसी जुनून से कम कहां है। मैं तुम्हें ऐसी लव स्टोरी भेजूंगा मिस साहित्य कि तुम इश्क के सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। इश्क और रोमांस में अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना हो तो वो बासी हो जाता है, पर बासी इश्क को बाहर फेंक देना चाहिए वरना उसमें दीमक लग जाता है। हम एक काम कर सकते हैं, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं।
Of course. Let's be friends. अभिमन्यु और अस्मिता की दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। उन दोनों का साथ होना अब एक दूसरे को अच्छा लगने लगा था। बताओ क्या करना है? I am all yours. चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। Sure. दिव्यांश is almost breathing on her face. तुम्हें क्यों नहीं कर लेते? क्या? किस? किस? मेरा मतलब था कि पूरी किस को डिटेल में भी तो डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। अब तुमने इतना बड़ा बिल्डअप दिया है, अपने रीडर्स का मूड बनाकर फिर ऐसे ही छोड़ दिया, हाई एंड ड्राई। अभिमन्यु के प्यार में अस्मिता भूल गई थी कि वो शौविक की फियांसे है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। अभिमन्यु, पिछले महीने जो हुआ उससे हम काफी वक्त जाया कर चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम वक्त बर्बाद ना करके सीधा पॉइंट पे आए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम हमें वो कॉन्सेप्ट नोट भेज दो ताकि हम अपनी पीआर और मार्केटिंग एक्टिविटीज प्लान करना शुरू कर दें। 24 घंटे में तुम्हें तुम्हारा कॉन्सेप्ट नोट मिल जाएगा। अस्मिता, माया बोल रही। ओह हाय माया, तुम्हें बेसब्री से इंतजार था ना अभिमन्यु के कॉन्सेप्ट नोट का? हाँ माया, मुझे उसका मैसेज आया था, मेरी बात हो गई उससे। अस्मिता, तुम्हारा असली काम अब शुरू होने वाला है, तो तैयार रहना। ओके? ऑफ कोर्स माया, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ और काम शुरू कर लेती हूँ। रिजवान को अस्मिता का धोखा हजम नहीं हुआ और उसने अभिमन्यु की किताब चुराने के लिए पेपर इंक में एक नया शिकार ढूंढा। शिट, अपना फोन तो माया के कैबिन में भूल गई। अरे ये पेपर्स, लैपटॉप तो मैं बंद करके गई थी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता है। अस्मिता, ये क्या है? क्या हुआ माया? ये क्या है? अभिमन्यु की किताब का पहला चैप्टर है जो तुमने एडिट किया है। हाँ माया, ये मेरा रिवीजन डॉक है, पर हुआ क्या? हुआ ये कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये ऑफिस की जमीन पर इधर उधर घूम रहा था, कोई भी उठा के इसे पढ़ सकता था। यू नो व्हाट, तुम एक सीनियर एडिटर हो, कोई इंटर्न नहीं जिसे ये सब समझाना पड़े। पर माया, ये प्रिंट मैंने नहीं लिया। अगर अभिमन्यु की ये कहानी किसी के हाथ लग गई ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभिमन्यु की किताब का एक चैप्टर सोशल मीडिया में लीक हो गया, पेपर में हंगामा हो गया।
रोमर अमोला अभिमन्यु की किताब का चैप्टर है। हाँ फक टुमारो 9 AM इन द ऑफिस शार्प। ये चैप्टर लीक होके रूमर अमोला तक कैसे पहुंच गया? तुम सब जानते हो कि ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। आई पेपर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मुझे नहीं पता था कि इस ऑफिस में चोर भी मौजूद होंगे। मेरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और अब तक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से इसी चैप्टर में वो लड़की लाल साड़ी से लटक के सुसाइड करती है। और इसी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हीरो हीरोइन को एक साथ मिलाता है, उन्हें एक साथ बांधता है। अस्मिता, क्या ऐसा हो सकता है कि अभिमन्यु की बुक का ये चैप्टर तुम्हारे लैपटॉप से लीक हुआ हो? तो पीटर, तुम क्या ये कह रहे हो कि मेरी कहानी का चैप्टर मिस रॉय ने लीक किया है? अभिमन्यु, मेरा बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि शायद गलती से। गलती तुम कर रहे हो पीटर, वो अपने काम को लेके सिंसियर है, लॉयल है। सो हाउ डेयर यू ब्लडी अक्यूजर पीटर? अभिमन्यु, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अस्मिता ने ये नहीं किया और वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकती है। लेकिन जिसने भी किया है वो इस वक्त हमारी ऑफिस में मौजूद है, हमारे बीच है। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। हेलो, ऑफिस में थी इसलिए तुम्हें पापा बोली थी। नाउ आई वुड आई कॉल यू पापा। और जब लगा मुजरिम पकड़ा जाएगा, पेपरिंग की एक एम्प्लॉई आर्या ने पेपरिंग के ऑफिस में बिल्कुल उसी तरह सुसाइड कर लिया जैसे अभिमन्यु के लीक चैप्टर में था। आर्या, आर्या का ऐसा सुसाइड करना और पेपर का लीक होना पुलिस और लोगों के लिए एक राज बन चुका था, और बहुत जल्द ही इस राज का पर्दा उठने वाला था। रिजवान, तुम ठीक तो? ऑल वेल। अभिमन, मुझे लगता है इन सबके पीछे कोई है, कोई है जो मुझे फंसाना चाहता है। ये देखो, कोई है जो मुझे फंसाना चाहता है। रिजवान, लेकिन मैंने सच में ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं जानता हूँ रिजवान। और आर्या के सुसाइड के बाद भी राज का खुलना जारी रहा एक अननोन सोर्स से। ये आर्या के सुसाइड से पहले हमारे ऑफिस में आया कौन था? ये क्या हो रहा है? हमारे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज हमसे पहले किसी और को कैसे मिल सकती है? पता नहीं मैडम। किरमोट, I don't understand. ये कौन हो सकता है और क्या चाहता है? मीडिया और सोशल मीडिया में कोहराम मच गया, बुक बैन करने की मांग हुई, और फिर एक और खुलासा हुआ। जिस रात आर्या ने सुसाइड की उस रात अभिमन्यु पेपर इंक में मौजूद था। शुरू हुआ अभिमन्यु का मीडिया ट्रायल। लोगों ने अभिमन्यु को आर्या के सुसाइड का दोषी माना, और कुछ ने तो अभिमन्यु को कहा आर्या का कातिल। कॉपी बुक मर्डर केस में एक बड़ा ट्विस्ट,
कई ऐसे बड़े सवाल जो आपको हिला कर रख देगा। क्या अभिमन्यु राजदान ने किया इंटर्न आर्या को जबरदस्ती अपनी जान लेने पे मजबूर? क्या पुलिस ने जल्दबाजी में इस मौत को मर्डर की जगह सुसाइड बना दिया? कहां थी उस रात की सीसीटीवी फुटेज जब ये सब हुआ और अब अचानक निकल करके सामने आया? और क्यों, इत्तेफाक तो नहीं कह सकते इसे? और सुसाइड बिल्कुल उसी तरह से होना, उसी लाल साड़ी से लटक कर आर्या का अपनी जान लेना जैसा कि अभिमन्यु राजदान ने अपनी किताब में लिखा था, और ठीक उस चैप्टर के लीक होने के बाद। और अब अभिमन्यु की ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है। सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अभिमन्यु राजदान का आर्या के मर्डर से कोई न कोई तो संबंध है। आर्या के मर्डर में अभिमन्यु का नाम आना कोई षड्यंत्र का हिस्सा है या फिर अभिमन्यु की सोची समझी साजिश? लेकिन इन सबसे अनजान अस्मिता क्या अभिमन्यु का साथ देगी या फिर वो भी आर्या के सुसाइड का दोषी समझेगी? देखिए डियर इश्क नाउ स्ट्रीमिंग सोमवार से शनिवार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तू मेरा इश्क ही खुदा।